नमस्कार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास माटुंगा स्टेशन पर बीते रात को दादर पांडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण स्टेशन और मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा शनिवार को बाधित है। सेंट्रल रेलवे की ओर से उम्मीद जताई गई है कि आज दोपहर तक सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि 3 डिब्बों की रीरेलमेंट, ओएच वायर और ट्रैक फिटनेस का काम किया जा रहा है। ये काम आज दोपहर 12 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है। इस अवधि के दौरान फास्ट लाइन ट्रैफिक को भायखला और माटुंगा स्टेशनों के बीच स्लो कॉरिडोर की ओर मोड़ दिया जाएगा। सेंट्रल रेलवे के CPRO शिवाजी सुतार ने कहा, लगभग रात 9:45 पर माटुंगा स्टेशन के पास दादर पांडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे के पटरी से उतरने की सूचना मिली। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। काफी हद तक काम कर लिया गया है। यह घटना का कारण जांच का विषय है। अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। अधिकारी ने बताया कि डिब्बों को रीरेल्ड कर दिया गया है और एक डिब्बे पर काम जारी है। डाउन अप लोकल लाइन की सर्विस चल रही है और डाउन थ्रू लाइन को बहाल करने में कुछ समय लगेगा। आप देख रहे हैं SPOT यूट्यूब चैनल महाराष्ट्र मुंबई और मुंबई लोकल ट्रेन की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।